नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह के हो रहे हैं अभी 6:45 और देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी ऊपर वाले फ्लोर पे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को छोटी छोटी गुडरियाँ जो होती हैं वो कितनी ज़्यादा गिरी हुई हैं सुबह सुबह। और मौसम का भी मिजाज दिखाती हूँ आप लोगों को, मौसम किस तरह से आया सुबह सुबह। तो देखिए भाई, सुबह सुबह ही बारिश का मौसम है, बारिश आई हुई सुबह सुबह देखिए। और देखिए एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जैसे जो हमारे पेड़ वगैरह हैं कितने हरे हो गए और ज़मीन पे हरियाली ही हरियाली छा गई है भाई बारिश की वजह से। देखिए हरी हरी घास उग गया, एक हफ्ता ही हुआ मानसून आए हुए, तो एक हफ्ते के अंदर कितनी पैदावार हो गई भाई घास की और सारे पेड़ भी हरे हरे लग रहे हैं। तो भाई नेचुरल जो बारिश होती है उसका तो अपना ही अलग ही मज़ा होता है। और वैसे हम जो क्यारी वगैरह बोते हैं वो उसमें चाहे कितना भी पानी डाल दें लेकिन जो नेचुरल बारिश होती है उससे पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा भी हो गया। तो देखिए कितनी ज़्यादा तितलियाँ भाई, देखिए तो बहुत ज़्यादा तितली गिरी हुई है। देखिए भाई देखिए, तो बेचारी सारी मुर्गी है सुबह सुबह ही, तो इनका ऐसा ही रहता है बरसात के दिनों में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू यहाँ पे और देखिए कितने भर भर के आए इधर पूरे, कितनी ज़्यादा थी पूरे बरामदे में थी। अभी मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का झाड़ू लगाया है, बाकी और तो बहुत देखी चले गई। तो भाई मैं सोचा थोड़ा थोड़ा पहले इनको बड़े ज़्यादा जो ज़्यादा ज़्यादा उनको साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी। तो इतनी ज़्यादा है भाई गुड रही है सुबह सुबह गिरी हुई, तो हम बोलते हैं इनको बात्रा, अपनी भाषा में हम लोग इनको बात्रा बोलते हैं। तो अभी बात्रा तो आपके आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे हम तो ऐसे बोलते हैं बात्रा, आप लोग क्या आपके यहाँ क्या बोलते हैं इनको तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बने रहिए वीडियो के साथ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स। और देखिए भाई सुबह सुबह धुंध छा गई है, तो बारिश का भी मौसम है और धुंध भी छा गई है। तो देखते हैं भाई बारिश होती है या धुंध ही रहेगी आज पूरा दिन है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि धुंध पड़ जाए तो उसके बाद बारिश, ऐसा बोलते हैं कि बारिश नहीं होती धुंध के बाद, हम अपने वैसे बोलते हैं निम्बड़ निम्बड़ हो जाता है। निम्बड़ मतलब बारिश नहीं होती धूप लग जाती है, ऐसा बोलते हैं। देखते हैं अभी। तो भैया अभी समय हो रहा है 12 बजे के करीब और देखिए बारिश जोरदार लगी हुई है बाहर, देखिए बहुत ज़्यादा बारिश लगी है। और मैं काट रही हूँ भाई अंशी के नेल्स, काट रही हूँ अंशी के नेल्स हो गए बड़े बड़े, तो देखिए कैसे कर रहा है ये, काटने नहीं दे रहा है बच्चा। दर्द होती है भैया, मारता है चुंटी काटता है हमारे को चुंटी, इसलिए मैं इसकी नेल्स काट रही हूँ अभी, लेकिन मानता नहीं है बात। देखिए ऊँची रुक जाओ, हो गया हो गया हो गया ऊँची हो गया, ले भाई इसकी नेल्स कटी हट्टी जा, बड़े हो गए। देखिए भैया हमारे बकरा और बकरी जा रहे हैं आज गौशाला में लेके जा रहे हैं इनको, देखिए। और ये डाल जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी लेके जा रही है मम्मी, क्योंकि आज इनको लेके जा रहे हैं गौशाला में, कर लिए इनको रखने के लिए जगह, तो इनको अब हम लोग गौशाला में ही छोड़ेंगे। वैसे इनको रूम में रखते थे हम लोग इस डाल के नीचे जो मम्मी जी उठा के लेके जा रही, चल तो अभी लेके जा रहे हैं इनको भी गौशाला। ओ ये
छोड़ रहे हैं वे इनको गौशाला में। चलो 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 जा रहे हैं भाई, ये बड़े बड़े हो गए। तो देखिए भाई, समय हो रहा है 2 बजे के करीब का और धूप लगी है काफ़ी दिनों बाद, और दीदी जी ने डाले हैं अंशी के कपड़े सुखाने के लिए। तो 3-4 दिन बाद देखने को मिली भाई धूप। देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो गया भाई, और बादल ही बादल, धुंध छाई है भाई, देखिए पहाड़ों का पता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा व्यू है भाई देखने के लिए, कितना सुंदर नज़ारा है भाई। आसमान तो बिल्कुल वाइट हो गया है, देखिए तो बहुत सुंदर नज़ारा है भाई। तो लैंटर के ऊपर जाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद, तो दिखाऊंगी आपको लैंटर के ऊपर से कितना अच्छा दिखेगा व्यू सारे चारों तरफ। और देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, तो फिलहाल तो पतिदेव ही आए हुए हैं, तो पतिदेव तो खा रहे हैं अभी खाना। तो आज बनाया हुआ है भाई मैंने काले चने और चने दली मिक्स करी हुई है, उसका बनाया पुलाव। कैसा बनाया है? बढ़िया बनाया। तो अभी कोई नहीं आया, तो देखिए बना लिए पुलाव। तो बनाया अभी पुलाव, और काफ़ी टाइम के बाद खा रहे हैं पुलाव ना, हम लोग खाते नहीं हैं ज़्यादा, कभी 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 कभार खाते हैं, तो कभी कभार खाएं तो अच्छा लगता है खाने में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, दिखाती हूँ मैं आप लोग और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स, और लेते हैं भाई धूप का आनंद, देखने में अच्छी लगेगी धूप, बाकी गर्मी तो बहुत है। तो ऐसा है भाई, करते हैं हम लोग लंच। तो देखिए अभी आ गई मैं भाई लैंटर के ऊपर, तो देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा धूप खिली है, देखिए। तो देखिए सराउंडिंग का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, चारों तरफ खुला खुला है यहाँ से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में व्यू। और देखिए वाइट वाइट कलर के बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं भाई ऐसे। तो ऐसे भी मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब धूप सॉरी जब बारिश होती है तो उसके बाद धूप खिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा धूप है भाई देखिए। ये देखिए भाई कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से सराउंडिंग का व्यू। तो देखिए भाई बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, और धूप के बीच में जब बादल आते हैं तो इतनी अच्छी चमक होती है उनकी, देखने में इतने सुंदर लगते हैं वो, जैसे हीरा चमकता है वैसे चमकते हैं बादल, देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसा है भाई, तो बने रहिए वीडियो के साथ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स, और लेते हैं भाई धूप का नज़ारा, सॉरी लेते हैं धूप का मज़ा, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे उसके बाद देखने को मिली धूप। तो ऐसा है भी काफ़ी दिनों बाद धूप लगे तो बहुत अच्छी लगती है। तो एक टाइम सर्दियों का दिन थे, तब 11-12 दिन के बाद धूप देखने को मिली थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और बारिश ही बारिश थी, बाकी धूप का तो पता ही नहीं था। तो 10-11 दिन के बाद धूप देखने को मिली थी। और देखिए पीहू भागी, पीहू क्या कर रहे हो? ढूंढ रही थी। ठीक है ताई जी, क्या कर रहे? ताई क्या नोड़ रहा? ये उरी लगाने हैं। अच्छा आंटी आ रही मांगना। तो देखिए भाई ताई जी ने लगाई हुई है खेती बड़ी यहाँ पे करी हुई है अच्छे से, और भिंडी लगी है, देखिए भिंडी के फूल दिख रहे हैं यहाँ से, इतने अच्छे से दिख रहे भिंडी के पौधे हैं हल्के हल्के, इनमें छोटे छोटे पौधों में ही भिंडियाँ लगी हैं भाई। और घी की बेल भी है उधर सामने, फूल भी खिले हुए हैं भाई, और बैंगन लगे हुए हैं इनको बहुत ज़्यादा बैंगन, और देखिए भुट्टे के 2 पौधे दिख रहे हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और पीयू दीदी आप क्या कर रहे हो यार?
क्या करते हो यार पीयू दीदी आप? मेरे को ढूंढ रहे थे। हाँ? तो पतिदेव खड़े हुए हैं भाई, कैसी लगी धूप? अच्छी लगी धूप भाई, अच्छी। तो क्या कई लोग म्यान लगा रहे थे, धान वगैरह लगा रहे थे, तो रह गए उन्होंने थोड़े बहुत, जिन्होंने कर लिए है वो तो धान लगा रहे हैं। कुछ की खेत ऐसे होंगे जिनमें पानी वगैरह नहीं पहुँचा होगा तो उनके रह गए। तो बताई तो है 2-3 दिन बारिश, अभी देखते हैं भाई। बोल रहे हैं 10 तारीख तक काफ़ी बारिश है और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यार। तो टूरिस्ट भी आ रहे हैं जैसे दिल्ली से, पंजाब से और अदर स्टेट से हिमाचल घूमने, तो थोड़े दिन के लिए भाई रुक जाएं क्योंकि स्लाइड वगैरह होने का डर बना रहता है। और फिर आपने तो, आप तो सोशल मीडिया देखते ही हो क्या अपडेट चले हुए हैं, लोग बह जाते हैं भाई ऐसे घूमने फिरने आते हैं, नालों में चले जाते हैं, खड्ड में चले जाते हैं और फिर तेज पानी के बहाव से डूब जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसा ना करो, थोड़े दिन वो रुको, ऐसा कुछ नहीं है, दिन और आएंगे घूमने के, बरसात में मत घूमो ऐसा। और देखते हैं भाई आगे क्या बनता है। मैं खाना खा चुका हूँ, ये लोग नहीं आए अभी और मौसम अच्छा हो रखा है। देखिए बादल सामने ऐसा लग रहा है भाई, नीचे लगे हुए हैं अभी तो काफ़ी ऊपर चले गए। और ये फर्स्ट वाली पार्ट थी ये भी दिख नहीं रही थी, वाइट वाइट हो गई थी सारी। तो ऐसा है हमारे रोड का काम चला हुआ, वहाँ पे स्लाइड वगैरह होते थे, कल रोड बंद था, पड़छू के करीब रोड बंद था तो वो खोल दिया गया है, अभी गाड़ी चल रही है वहाँ से। तो ऐसा होता है भाई बरसात में रोड वगैरह बंद हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और इस साल भी ऐसे लग रहा है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। तो घूमने ना आओ, थोड़े दिन रेस्ट करो, सर्दी में फिर ये जब बरसात चली जाएगी उसके बाद घूमने आओ या फिर गर्मी के टाइम में घूमने आओ, तो यही है। तो ऐसा अभी देखिए पीयू दीदी क्या कर रहे हो, खाना खा लिया? नहीं। तो चलो कब खाओगे, 2 बज गए, 2:30 बज रहे हैं, खा लो खाना।